हेलो फ्रेंड्स, टेक बियर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेरे पास जो सोनी का पावर बैंक है CPV4ABLC जो कि 4700 mAh का है, तो मैं आपको इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर किस कंपनी का लेना चाहिए। मैं कोई बहुत बड़ा टेक ज्ञानी या टेक गुरु नहीं हूँ, बट मैं आपको एक जो मैंने पावर बैंक लिया है उसके हिसाब से और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अब आपको ये वाला सोनी का ही लेना चाहिए, सेम यही लेना चाहिए, या क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको जैसा कि बता दूं कि मैंने ये जो पावर बैंक है जिसकी MRP है, आप देख सकते हैं, जैसा कि इसकी MRP है 1590 और मैंने इसको परचेज़ किया 1490 रुपीज़ में, जैसा कि आप इसका बिल देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे पहले सजेशन दूंगा, मैंने तो ये लोकल मार्केट से परचेज़ किया था कि सोनी के शोरूम से, बट मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से इसे परचेज़ करें, फर्स्ट थिंग तो ये। और सबसे दूसरा मेरा जो सजेशन होगा आपके लिए वो ये है कि आप है ना मेरी तरह 4700 का mAh का तो बिल्कुल ना करें, आप अपने फ़ोन के हिसाब से करें। जैसे अगर आपका फ़ोन 2000 mAh का है तो कम से कम 6000 mAh का तो पावर बैंक परचेज़ करना ही चाहिए आपको, या फिर 10000 करें तो बेस्ट है, ठीक है। इसके बाद हम आपके इसके बारे में बताते हैं कि इसमें क्या कमियां या क्या खूबियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पावर बैंक आता है ये मेरे पास ब्लू कलर का है, ये ब्लू वाइट दो कलर वेरिएंट में था, बट मुझे ब्लू अच्छा लगा इसलिए मैंने ब्लू लिया। तो ये ब्लू कलर का पावर बैंक है और इसके साथ में छोटी सी ये इसकी चार्जिंग केबल कह लीजिए या USB केबल कह लीजिए वो दी गई है। और ये देख सकते हैं आप, ये पावर बैंक कुछ इस तरह से दिखता है, ये इसका USB स्लॉट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो आउटपुट है 4700 है, बट ये मेरा जो फ़ोन है कूलपैड नोट 3 लाइट जो कि लगभग 2500 mAh का है, उसको ये एक बार तो फुल चार्ज करता है और उसके बाद 20 या 30% ही कर पाता है, तो लगभग इसका आउटपुट जो है समथिंग 4000 mAh करीब ही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पावर बैंक है हम यहाँ पर USB यहाँ लगाते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि जो लाइट ब्लिंक कर रही है ये अगर है ना 3 बार करती है तो मतलब आपका पावर बैंक फुल चार्ज है, और अगर 2 बार करती है तो आपका पावर बैंक आधा चार्ज है, और 1 बार करती है तो आपका बिल्कुल ही बैटरी पावर बैंक की लो है। और ये इसका चार्जिंग सॉकेट है जो कि है 5 वोल्ट का, और ये इसका USB सॉकेट। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आप है ना पावर बैंक लेने जाएँ तो आप सबसे पहली बात ध्यान रखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप पास थ्रू चार्जिंग सपोर्टेड ही पावर बैंक खरीदें, ताकि उससे क्या होगा कि आप पहले चार्जर में पावर बैंक लगाएंगे फिर पावर बैंक में अपना मोबाइल लगाएंगे, तो हम रात को जैसे पावर बैंक और मोबाइल दोनों लगा चार्ज पर लगा सो जाए तो हमें सुबह जब तक हम 5 या 6 घंटे बाद 7 से 7 घंटे उठेंगे तो हमें दोनों चार्ज मिलेंगे। तो मेरा ये जो सोनी का पावर बैंक है जिसका मैं यहाँ रिव्यू या अपना ओपिनियन दे रहा हूँ इस पर, वो पास थ्रू चार्जिंग सपोर्टेड नहीं है। और इसके बाद मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर सोनी का पावर बैंक खरीदते हो तो आपको बस इसका एक ही फ़ायदा ये है कि इसकी जो सर्विस है बहुत अच्छी है, बट इसमें दिक्कत ये है कि अब जैसे मैंने 1490 रुपये खर्च किए लेकिन मुझे इसमें सिर्फ एक सर्विस के अलावा कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं मिले। मैं इसे एक बार गिर गया था तो ख़राब हो गया, मैंने उसको एक्सचेंज करवा लिया, तो सर्विस तो बहुत अच्छी है और सर्विस सेंटर से मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट मिला, तो मैं 10 दिन के अंदर अंदर मेरा नया पावर बैंक आ चुका था। इसके बाद मैं अगर बात करूँ कि अगर आप अपने लिए पावर बैंक लेना चाहते हो तो आप MI का, लिनोवो का या फिर इंटेक्स का, तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इंटेक्स की जो सर्विस अगर आपका चला तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ख़राब हुआ तो आपको सर्विस सेंटर के बार बार चक्कर काटने पड़ेंगे। तो अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप सोनी का 10000 या 6000 mAh का पावर बैंक लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप MI का पावर बैंक ले सकते हैं जो कि बेस्ट है, और लेनोवो का भी बहुत अच्छा पावर बैंक आ रहा है, और एम्ब्रीन करके एक कंपनी है फ्लिपकार्ट पे जिसका 600 से 700 रुपये में 10000 mAh का पावर बैंक मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। मैंने उसको पर्सनल यूज़ किया हुआ लेकिन मैं अभी हाल फिलहाल ये वाला पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको पावर बैंक से संबंधित और कोई सजेशन चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पास थ्रू चार्जिंग होनी चाहिए और कम से कम आपके फ़ोन की जो बैटरी है उससे 3 गुना, तो कम से कम मतलब उस फ़ोन को 3 बार तो चार्ज कर सके। जैसे अगर आपके फ़ोन की बैटरी 2000 mAh है तो आपको 6000 mAh या 10000 mAh का पावर बैंक तो कम से कम लेना ही चाहिए, और वो पावर बैंक अगर पतला और हल्का हो तो बहुत अच्छा। जैसे मेरा ये थोड़ा भारी है, इसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, और आप एक ब्रांडेड कंपनी का ही खरीदें, जो चाइना का माल होता है लोकल मार्केट से वो ख़रीदने से बचें,
है ना, मैंने भी एक बार पावर बैंक सस्ता सा लिया था, बट वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया। 200 रुपये में मुझे 3 या 4 हज़ार MAh का पावर बैंक मिला था, बट वो मज़ा नहीं है उसमें। इससे बढ़िया 700 या 800 रुपये का MI का पावर बैंक मंगाइए और मज़े कीजिए। आपको हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको पावर बैंक या टैक्स रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं जहाँ तक हो सका आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइक एंड शेयर प्लीज़, एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।